दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 में आज डीएलएफ मॉल के पास बोरी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन शव को देखकर महिला की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक महिला के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला के सिर पर पत्थर या लोहे से वार कर उसकी हत्या की गई है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो यह है कि शव पर पेट्रोल भी डाला गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हत्यारा सबूत मिटाने के लिए शव को जलाना चाहता था। यहाँ आपको बता दें कि मृतका के दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है, उसके एक हाथ में फारूक और दूसरे में शाइदा लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि महिला का नाम शाइदा होगा, लेकिन महिला की हत्या क्यों हुई और किसने की, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। इसके लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके पति या प्रेमी ने ही उसकी हत्या की हो। मेहंदी रचे हाथों वाली ये महिला कौन है और किसने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी, कोई नहीं जानता। बोरे में महिला के शव का राज क्या है, फिलहाल पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। देखते रहिए डीबी लाइव।